बिस्मिलहमान रही तो एज़ वी आर डूइंग डेरीवेटिवस आज हम एक ब्रीफ सा टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्चुअली इसकी डिफरेंट जगहों में हम लोग बात कर रहे हैं और करेंगे भी बट हेयर वी नीड टू स्पेसिफिकली सेंसटाइज इट के मैटर इज़ अबाउट इंटरेस्ट रेट तो ये कोई एक कैटेगरी नहीं है बेसिकली हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट से जो प्रॉन हैं या जो लिंक्ड हैं उनके हमारे पे क्या इम्प्लीकेशन है वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस देम एंड देन वी विल बी डूइंग देम इन डिटेल एट अ डिफरेंट

ये डिफरेंट हम कैटेगरीज़ में जाके देखेंगे बट यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें एक जगह इनको ब्रीफली टच किया गया है इंटरेस्ट रेट डेरिट इज़र ऑफन यूज एज हेज़ बाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं यूज पोर्टफोलियो जिन्होंने लिए होते हैं तो दे आर मोर कंसर्न कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट तो ये यूज़ करे होते हैं बैंक्स अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करे होते हैं कंपनीज़ जिनका एक्सपोजर होता है वो भी रेलिवेंट देख रही होती हैं

दे कैन यू यूज टू रिड्यूस और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट exposure. सिर्फ मकसद कम करना नहीं है कई दफ़ा इफ यू वॉन्ट टू टेक एक्सपोयर फॉर द गेंस यू कैन इंक्रीज योर एक्सपोयर एज वेल या स्पेकुलेटर मेनली ये कर ही रहे होते हैं कि दे आर टेकिंग एक्सपोयर टू गेन आउट ऑफ इट अमंग मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट आर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं क्योंकि इनका फायदा क्या है कि ये लॉन्गर पीरियड वो कैप्चर कर रहे होते हैं कैप्स फ्लोर दीज आर फ्रीकुंटली बींग यूज स्वैप में क्या होता है इंटरेस्ट रेट में दिस वी हैव अ स्पेसिफिक मॉड्यूल ऑन दिस एज वेल आई रेफर यू कि आप उसको वो जरूर इसमें देखिएगा प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप इज़ द बेसिक एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरेवेटिव इसमें क्या हो रही है कि एक पार्टी फिक्स्ड रेट स्ट्रीम कर रही है पेमेंट की और एक पार्टी फ्लोटिंग रेट स्ट्रीम की पेमेंट कर रही है तो अगर आपका लैट से फ्लोटिंग रेट का लोन है और आपको डर लग रहा है कि रेट बढ़ जाएंगे तो आप फिक्स्ड रिसीविंग वाले उसमें आ जाएं और आगे अपने आप को स्ट्रक्चर को ऐसे कर लें कि अपने पोजीशन को स्वैप कर लें कि दर देन पेइंग फ्लोटिंग आप पेइंग फिक्स पे चले जाएं एंड द अदर पार्टी पे द फ्लोटिंग और आपका वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए पार्टी टू रिसीव स्ट्रीम ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड पे स्ट्रीम ऑफ फ्लोटिंग तो वो आपका जो मैकेनिज्म है वो आप फ्लोटिंग वहाँ से आ गया आप अपनी फ्लोटिंग लैबिलिटी पे करें बोथ पेमेंट्स आर बेस्ड ऑन सेम सम नोशनल प्रिंसिपल उस पर अमाउंट हो रही थे हंड्रेड मिलियन की बात हो रही है वन बिलियन डॉलर बट एवर द नोशनल अमाउंट इज नॉर्मली जो लोन लिखा लिया होता है उसी पे ये अमाउंट डिटरमिन होती है और नेट हो जाती है पेमेंट जो लेना देना है इफेक्टिवली आपका एक्सपोजर फिक्स से फ्लोटिंग पे शिफ्ट हो जाता है या फ्लोटिंग से फिक्स पे शिफ्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस दो दिज एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो टू पार्टीज एम टू रिड्यूस अनसर्टेनिटीज अपनी कन्फ्यूजन अपना जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक ये कर रहे होते हैं और एक क्लैरिटी आ जाती है इस मेथड से तो दिस इज वन वे ऑफ कैप्चरिंग विद द इंटरेस्ट रेट्स देन कैप्स एंड फ्लोर्स अ कंपनी विद फ्लोटिंग रेट लोन दैट डज नॉट वांट टू स्वैप फिक्स स्वैप नहीं करना चाह रही बट डज वांट सम प्रोटेक्शन कि हम फिक्स नहीं करना चाह रही लेकिन अपना कुछ अपने आप को सेफ गार्ड करना चाह रही है तो वो क्या करती है इंटरेस्ट रेट की कैप ले लेती है कि मेरा लोन तो फिक्स फ्लोटिंग ही रहे लेकिन एक सर्टन कैप ले लूँ मैं ताकि इससे कहीं ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए तो दैट इज़ बाइंग कैप्स। तो कैप इज़ सेट एट द टॉप रेट मैक्सिमम कितना आप पे करेंगे तो अगर उस लेवल पर चला जाता है तो यू पे अ हायर एंड यू गेट द कम्पनसेशन फ्राम द कैब जो आपने ख़रीदी हुई है उस पर आपको कंपनसेशन मिल जाती है तो यू आर लॉक डाटा अबव रेट तो वो पेरियोडिकली उसकी सेटलमेंट हो जाती है और आपका एक सर्टन लेवल से फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बेर करना पड़ता द प्रीमियम विच इज द कॉस्ट ऑफ कैप इज द प्रोटेक्शन लेवल अब दैन द करेंट मार्केट जो आपको वो प्रीमियम देना पड़ रहा है डेफिनेटली दैट इस द वो आपको एग्जिस्टिंग से आपका जो एडिशनल कॉस्ट है यू विल बी बेयरिंग दैट अ कंपनी रिसीविंग फ्लोटिंग स्ट्रीम यानी कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको वहाँ से फ्लोटिंग रेट आ रहा है तो अब आप आपको पहले तो डर था कि बढ़ जाएगा अब आपको जब पैसे आ रहे हैं आप डर है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा घिरी ना जाए तो उस केस में वट यू डू इज यू बाय अ फ्लोर मुझे मिनिमम इतना रेट तो मिले तो सही दफा लोग दोनों को मिला के भी पढ़ते हैं वो एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉलर वो आप हमें रेफर कर सकते हैं उसको बट हेयर वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट का लिंक किस तरह होगा तो अगर आप फ्लोर ले, ले लेते हैं तो आपको एक रॉक बॉटम लेवल का पता लग जाएगा कि मुझे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा अदर इंस्ट्रूमेंट जिसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते बट देर आर मैनी एज वी डिस्कस कि ये बहुत सिंपल से बहुत कॉम्प्लेक्स तक भी जाते हैं तो अदर वनज आर स्ट्रिप्स जो कि फ्यूचर की स्ट्रिप्स होती हैं फॉरन करेंसी में अभी यूरो करेंसी के साथ भी लिंक्ड हैं स्वेप्शन की भी एक ऑप्शन है तो दे आर मल्टीपल वेज इन विच इंटरेस्ट रेट कैन भी कैप्चर्ड और ये हम डिफरेंट जगह पर पढ़ते रहेंगे बट यू शूड कीप इन माइंड के दे आर मनी वेज़ टू कैप्चर uh, और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस जो कि इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है थैंक यू